उज्जैन में संदीपन के पढ़ते थे, इनके सारे में सुदामा नाम के ब्राह्मण भी पढ़ते थे। एक दिन गुरुपत्नी भगवान कन्हैया से बोली, दादा तन के प्यार घर में इंधन को नाम ना लाला के द्वारा बताओ। भगवान कन्हैया बोले, मैया तू चिंता न करे, हूँ जंगल से लकड़ियां तोड़े लाए रहो, चतुर सुदामा संग में शाम तक लौट आऊंगा। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ने को चले तो गुरु माता ने थोड़े चना दिए सुदामा को और कहा कि जंगल में खेल कूद न करियो, भूख लगे, दोनों भैया बांट के चल लीजो। जंगल में पहुंचे, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई और वो गुरु की सेवा में। देखिए पहले के शिष्य कैसे थे, भगवान के कन्हैया गुरु की सेवा में ठंडी प्यार की धोखों से काम रहे, वृक्ष से नीचे सूर रहे। भाइयों स्वामी आल हर चैतन्य जी की गाड़ी सुनामा चरा वाले थे, भगवान को नहीं दिए और पीठ फेर के चलने लगे, प्रकट भी नहीं की। बातें मत करो, मैं कमाता हूँ। बेचे भगवान आज बारिश होने के कारण पांडाल इर्द गिर्द हुआ स्वामी आराध्य।